मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी सरकार की प्रतिबद्धता है। मार्च के अंतिम हफ्ते से जारी सिलसिला श्रमिकों की घर वापसी तक जारी रहेगा। जिस तरह से घर वापसी का हमारा ये काम चल रहा है, उम्मीद है कि हर श्रमिक शीघ्र ही सुरक्षित अपने अपने घर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दूसरे राज्यों की सरकारों से अपने प्रदेश के श्रमिकों कामगारों की जनपदवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यों से सूची मिलते ही हम अपने प्रदेश के लोगों को लाने की तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी तक दूसरे प्रदेशों में प्रवासी श्रमिकों कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं। इससे करीब 30,000 से अधिक प्रवासी आए हैं। इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से 30,000 से अधिक श्रमिक लाए गए हैं। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य जगहों से करीब 4.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार को कई प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 20 ट्रेनें आ रही हैं। इसी तरह शुक्रवार को 25 से 30 ट्रेनें आने की उम्मीद है। उनके सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 10,000 से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। आने वाले हर श्रमिक के स्वास्थ्य की जांच क्वारंटाइन सेंटरों पर होगी। अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसे मुकम्मल जांच के लिए वही आइसोलेट कर दिया जाएगा। स्वस्थ लोगों को इस हिदायत के साथ घर भेजा जाएगा कि वह खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए होम क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन करें। 12,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटरों पर स्वास्थ्य की जांच के लिए 50,000 से अधिक प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य की जांच के बाद जिनको भी होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है उनको भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये और मानक के अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यह साफ निर्देश दिया है कि वे आने वाले श्रमिकों कामगारों को सहानुभूतिपूर्वक सम्मानजनक व्यवहार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर आने वाले श्रमिक की दक्षता का आने वाले समय में प्रदेश की बेहतरी में संभव उपयोग हो, उसके लिए हम उसकी दक्षता का ब्यौरा, मैं पता और मोबाइल नंबर एकत्र करवा रहे हैं। इन सबको उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर हम रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारी कार्य योजना बनकर लगभग तैयार है।